थपतीर ते लगायूं हा पी पी के खतायूं हा नारा भुट्टे जा लगायूं हा आ थपतीर ते लगायूं हा पी पी के खतायूं हा नारा भुट्टे जा लगायूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम इस वक्त पीपी 122 हल्का टूबा टेकसिंह में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार NA 106 चौरी जुल्फकार जुल्फी, 121 के उम्मीदवार जुल्फकार अली नासर भट्टो, जिला सदर चौधरी मजर इकबाल कालों और पीपी 122 की उम्मीदवार मोहतरमा नशीन नुसरत कियानी साहबा हमारे साथ मौजूद है, जहां पार्टी के अहदेदार कारकुन जमा हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये मामला चल रहे हैं कि बीबी को टिकट जारी हो चुका है, चौरी साहब आप वजाहत करें इसकी। टिकट जारी हो चुका है, पहुंचने में देर हो गई थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट नहीं किया। हायर मैनेजमेंट तक बात गई, उन्होंने उधर भी इनका टिकट कैंसिल कर दिए लोगों के और इनका टिकट जो है रेगुलराइज कर दिया है, लेकिन वो गजट नोटिफिकेशन नहीं हो सका। अब गजट नोटिफिकेशन हुआ है कि जितने इस तरह के कैंडिडेट हैं हमारे 3-4, उन सब को पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट समझ के उनको वोट दिया जाए इंशाल्लाह। हमारे साथ NA 106 के उम्मीदवार हैं चौरी जुल्फकार अली जुल्फी। चौरी साहब आप क्या कहेंगे इस डेवलपमेंट के मुतल्लिक, क्या आपके जो सबका कैंडिडेट है मजर अकबर लाला उसको आपने उसका टिकट कैंसिल हो चुका है? ये देखें, ये पार्टी का फैसला है, ये मेरा फैसला नहीं है, चौधरी मदर साहब का फैसला नहीं है, पार्टी की आला क्यादत का फैसला है और चेयरमैन की मशावरत के बाद फैसला होता है। और ये जो आर्डर है इस किस्म के, वो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान सैयद नैयर बुखारी जारी करते हैं। हम पार्टी के रुकन होने के नाते ये मजर इकबाल लाला को जो टिकट जारी हुआ था, जिन अथॉरिटीज ने पार्टी के क्यादत ने उनको टिकट जारी किया था, उन्होंने टिकट वापस ले लिया और उसके बाद उन्होंने ये टिकट है ओरिजिनल ये मैडम नशीन नुसरत को जारी कर दिया। ये तारीख देखें, इसमें जरा क्लोजअप में देखें, ये 13 तारीख को जारी हुआ है जी। 13 तारीख को ये कैंसलेशन हुई है, 13 तारीख को ये टिकट जारी हुआ है, 13 तारीख निशानात के अलाटमेंट की आखिरी तारीख थी, लेकिन बदकिस्मती से इसकी कॉपी तो हमारे पास आ गई थी, कलर कॉपी व्हाट्सएप में आ गई थी, लेकिन ओरिजिनल टिकट चूंकि इस्लामाबाद से आना था वो बाई रोड आ रहा था और रातों को धुंध की वजह से ये 2 घंटे लेट पहुंचे ओरिजिनल, और रिटर्निंग अफसर ने इसे जो है कबूल नहीं किया। इसके बाद हमने अपील भी की, वो अपील भी जो है हमारी वो अब ना उसका हाँ या ना में जवाब नहीं मिला, लेकिन पार्टी ने अब अपना फैसला कर दिया है कि जिनके टिकट हमने कैंसिल किए हैं और जिनको टिकट जारी किए हैं उनका निशान अगर दूसरा भी है तो वो पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। और ये केस एक नहीं है, हमारे जिले में भी है और पूरे पाकिस्तान में भी है, पंजाब में कुछ 6-7 के करीब केस ऐसे हैं जो हमारे कैंडिडेट तीर की बजाय जो भी उनको निशान अलाट हो गया था आरओ की तरफ से उस पर लड़ रहे हैं, लेकिन ये पार्टी की लिस्ट में जो इलेक्शन कमीशन को ऑफिशियली गई है उसमें इनका नाम इसी तरह शामिल है जिस तरह हमारा दूसरे कैंडिडेटों का शामिल। शुक्रिया जी। जी अब हम पीपी 122 की उम्मीदवार मोहतरमा नशीन नुसरत कियानी से बात करते हैं। जी मोहतरमा, आपको पार्टी की तरफ से नामजद कर दिया गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पार्टी ने अपना कैंडिडेट नामजद किया है और जितनी भी इनकी लीगल काम जितने भी हो रहे हैं ऊपर से ये फुल फाइट इन्होंने की है। अभी ये इलेक्शन कमीशन वालों के पे था कि उन्होंने ये मेरा जो टिकट तो जारी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन निशान की जो अलॉटमेंट थी वो थोड़ी सी लेट कर दी इन लोगों ने और अभी जो मेरा निशान है वो घड़ियाल है, लिहाजा पीपल्स पार्टी की मैं कैंडिडेट हूँ और जो हम लोग वो कैंडिडेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और पार्टी ने ये माशाल्लाह से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से टिकट को जो है ना अनाउंस कर दिया है। थैंक यू जी, मुबारक हो आपको। जज़ाकअल्लाह। और तभी हम कहते हैं कि हमारा जीना हमारा मरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ खिदमत के जरिए मिलती है, क्योंकि पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस मुल्क में सिर्फ खिदमत की है।
ये बुड्ढा की निशानी, ये बुड्ढा की निशानी, ये बुड्ढा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त पीपी 122 हल्का पार्टी के अहदेदार कारकुन जमा है। हम इनसे पूछते हैं कि ये मामला चल रहे हैं कि बीपी को टिकट जारी हो चुका है, चौधरी साहब आप वजाहत करें इसकी।